बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उर्दू की वीडियो बना रहे हैं 3 से 7 साल के बच्चों के लिए, ताकि उनकी जो बेस है वो सॉलिड हो सके और उन्हें उर्दू लिखनी आ सके, पढ़नी आ सके अच्छे तरीके से, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म की सरगर्मियां हमने तैयार की हुई हैं। तो एक तो ये सवाल आप पढ़ रहे हैं, हरूफ के नकात लगाइए, जो हम अभी लगाएंगे, ठीक है। और एक अलिफ्ता ये, वो मैंने अलिफ्ता ये यहाँ लिखी है, क्योंकि हमारी जो 6 क्वेश्चन है वो इसी अलिफ से ये से रिलेटेड हैं, तो फिर हमें ज़रा आसानी होगी ये काम करने में। सबसे पहली बात, एक नुक्ते वाले हरूफ, ठीक है। अब यहाँ 7 से हम देखते जाएंगे, 7 हम लिखते जाएंगे। अब देखिए, एक नुक्ते वाले हरूफ में सबसे पहले बे का एक नुक्ता है, उसके बाद जीम का एक नुक्ता है, उसके बाद खे का एक नुक्ता है, उसके बाद ज़ाल का एक नुक्ता है, उसके बाद ज़े का एक नुक्ता है, उसके बाद ज़वाद का एक नुक्ता है, ज़ोएं का एक नुक्ता है, गैन का एक नुक्ता है, फे का एक नुक्ता है और नून का एक नुक्ता है। बे, जीम, खे, ज़ाल, ज़े, ज़वाद, ज़ोएं, गैन, फे, नून। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 नुकात वाले हरूफ। अब 2 नुकात वाले हम शुरू से चेक करने शुरू करेंगे। सबसे पहले 2 नुकात वाला हर्फ है ते। ते से हम आगे बढ़ेंगे, हम देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, काफ़, काफ के 2 नुक्ते, बस ये 2 ही हरूफ हैं। उसके बाद है 3 नुकात वाले हरूफ। अब 3 नुकात वाले सबसे पहले पे, उसके बाद से, उसके बाद चे, शीन, शीन, यही 4 हरूफ हैं 3 नुकात वाले, बग़ैर नुक्ते के हरूफ। अब बग़ैर नुक्ते के देखिए, सबसे पहले अलिफ, फिर है, उसके बाद सॉरी हे, उसके बाद दाल, उसके बाद रे, सीन, स्वाद, तोएं, एन, लाम, मीम, वाव, हे, छोटी है, बड़ी है। उसके बाद क्वेश्चन है तोएं वाली हरूफ। अच्छा, अब तोएं में सबसे पहले टे, उसके बाद डाल, उसके बाद अड़े, ठीक है। तो ये 3 बनते हैं जो तोए वाले हरूफ हैं। उसके बाद है कश वाले हरूफ। अब कश वाले जो हरूफ हैं उसमें है क्याफ और उसमें है गाफ, ठीक है। तो यूँ हमारी अलिफ बे जो है वो अलिफ से ये तक मुकम्मल हुई, और उसमें से हमने डिफरेंट तरह से डिफरेंट हरूफ निकाल लिए, ठीक। ये सरगर्मी बड़ी ज़रूरी है, इसकी प्रैक्टिस भी करवाइए। इसके बाद अलिफ से ये तक 4 खानदान हमने लिए हैं, तो वो हम आपको बताते हैं। ख़ानदान का मतलब होता है एक जैसे हरूफ। अब बे का ख़ानदान जो है ना, इसमें 5 हरूफ होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए कि मैं बग़ैर नुक्तों के इनकी आपको बनावट बताती हूँ, सब एक जैसे हैं, ये देखा आपने, सेम है। अब हम नुक्तों से इनको वाज़े करेंगे, तो नुक्तों से हम कैसे वाज़े करेंगे। बे का एक नुक्ता होता है, दरमियान में नीचे होता है, पे के 3 नुक्ते होते हैं, पहले 2 डालते हैं एक उसके नीचे, ये पे के नुक्ते हो गए, बे पे ते, ते के 2 नुक्ते होते हैं उसके अंदर, टे की
तोएं होती है उसके अंदर, और से के तीन नुक्ते होते हैं उसके अंदर, पहले दो डालते हैं और एक। आप देखेंगे पे और से के तीन तीन नुक्ते हैं, लेकिन पे के नीचे हैं और से के अंदर हैं। पे के जैसे नीचे हैं, से के अंदर उल्टे होके आते हैं, जैसे यानी ये पहले दो हैं और फिर एक, इसी तरह पहले दो और एक। तो ये बे पे ते टे से पाँच हरूफ का ख़ानदान है बे का, ठीक है। उसके बाद देखिए जीम का ख़ानदान। अब जीम का ख़ानदान भी आप देखेंगे कि उनकी जो बनावट है वो सब की एक जैसी होगी। ये चार का ख़ानदान है, ठीक है। जीम का ख़ानदान चार हरूफ पर मुश्तमिल है। जीम का एक नुक्ता, छे के तीन नुक्ते, हे का कोई नुक्ता नहीं और खे का एक नुक्ता। उसके बाद दाल का ख़ानदान। दाल का ख़ानदान तीन हरूफ पे मुश्तमिल है। ये देखिए एक जैसी बनावट, दाल पे कुछ भी नहीं होता, दाल छोटी तोएं और जाल का एक नुक्ता, दाल दाल जाल। अब ये रे का ख़ानदान है, ये आधा लाइन से ऊपर आधा लाइन से नीचे, और देखिए बनावट एक जैसी, रे पे कुछ भी नहीं है, अड़े पे छोटी तोएं हैं, जे पे एक नुक्ता है और ये पे तीन नुक्ते हैं, ठीक है। तो ये चार ख़ानदान जो है उनका तारुफ हमने करवाया। बे के पांच हरूफ का ख़ानदान है बे पे ते टे से। जीम का चार हरूफ का ख़ानदान है जीम चे हे खे। आप बच्चों से छोटे छोटे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एक नुक्ता किसका है वो बताएंगे, जीम का है। आप बताएंगे कौन सा हर्फ है जो बगैर नुक्ते के है यहाँ पे, वो बताएंगे हे है। फिर आप पूछेंगे तीन नुक्ते किसके हैं, वो चे के बताएंगे। फिर एक नुक्ता किसका है, खे का है। फिर पूछें नुक्ते कहाँ, जीम के भी अंदर, चे के भी अंदर, खे के सर पे। इस तरह से मुख्तलिफ छोटे छोटे क्वेश्चन आप बच्चों से कर सकते हैं। दाल दाल जाल तीन हरूफ का ख़ानदान, रे अड़े जे ये चार हरूफ का ख़ानदान। और भी बहुत से हैं लेकिन वो दो दो हरूफ के ख़ानदान बनते हैं, जैसे सीन शीन स्वाद ज़वाद तोएं ज़ोएं, इस तरह से वो भी है। अच्छा, ये अब छोटे बच्चों के लिए हम पहले स्टार्ट पाँच तक लेते हैं गिनती का, फिर इसे दस तक भी ले जाते हैं। तो एक तो ये कि ये गिनती लिखना सीखें बच्चे, और दूसरा ये कि चीज़ें हमने जो बनाई हैं वो इसी गिनती के मुताबिक हैं। तीसरा जो है कि तस्वीरें बनाना भी बच्चों को सिखाएं। देखें वेरी इजी, हर चीज़ सर्कल में आ रही है, ये थोड़ा सा ओवल टाइप हो गया और ये भी बनाना आसान है, तो बच्चे बना सकते हैं। चलें सबसे पहले हम एक सीखते हैं, अलिफ ये और क्याफ, ठीक है। ये है एक। अब दाल देखें कितना आसान, दाल वाओ दो हो गया, तीन। अब तीन में जैसे आप शीन नहीं लिखवाते पहले, वैसे लिखवाइए, बच्चों को शीन लिखना तो आता है ना। फिर यहाँ पे दो नुक्ते आएंगे ते के, ये के यहाँ पे दो नुक्ते आएंगे और नून का यूँ। अब चार देखिए, छे की आधी शक्ल के साथ अलिफ और साथ रे, तो ये हो गया चार। और पांच देखिए, पे की आधी शक्ल के साथ अलिफ, पे के नुक्ते। फिर पहले आप यूँ कीजिए कि छे बनाइए, ठीक है, ज़रा बच्चों के लिए टफ होता है। और फिर ये फॉर्मेशन नून वाली बनाइए, एक नुक्ता यूँ और ये पाँच, ठीक है। तो इस तरह देखिए, एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच। हम फिर यूँ भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे लिखें एक, ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं दो, इसमें हम लिख सकते हैं तीन, इसमें हम लिख सकते हैं चार, और इसमें हम लिख सकते हैं पाँच। तस्वीरों के जरिए भी वाजे उर्दू में लिखना भी सिखा दिया, काउंटिंग पढ़नी भी सिखा दी, जिससे क्लियर हो गया चीज़ों को गिनना। ये एक एक्टिविटी है कि लफ्ज़ बनाइए। तो ज़ाहिर है शुरू में बच्चों को उस तरह से पूरा लिखना नहीं आता, तो हम इस तरीके से भी उनसे अल्फाज बना सकते हैं, उनके सामने सारा मटेरियल दिया गया हो और वो इसे देख के अल्फाज बना सकें। अब आप देखें हमारे पास जीम अलिफ जा है और मुख्तलिफ जो है कि हमने हरूफ लिखे हुए हैं, अभी हम इनको जोड़ेंगे और लफ्ज़ बनाएंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं फिर हम लिख लेंगे। जीम अलिफ जा, लाम अलिफ ला, जा ला। जीम अलिफ जा,
गाफ जाग, जीम अलिफ जाग, रे अलिफ रा जाड़ा, जीम अलिफ जा लाम जाल, जीम अलिफ जा लाम छोटिए ली जाली, जीम अलिफ जा दालवा दू जादू, जीम अलिफ जा रे छोटिए री जारी, जीम अलिफ जा नून जा। तो पहले आप पढ़ना सिखाइए, मैंने तो एक दफ़ा पढ़ा है, आप बच्चे से 10 दफ़ा पढ़ाइए। जब आपको लगे कि रीडिंग आपकी थोड़ी क्लियर हो गई है तो फिर आप राइटिंग की तरफ आइए। वेरी इजी, जीम अलिफ जा तो ये लिखा हुआ है, यहाँ से आप लिखेंगे देख के, जीम अलिफ जा लाम अलिफ ला, लाम लिखना आधी शक्ल बनाएंगे हम और आगे अलिफ लाम अलिफ ला जाला। फिर दोबारा जीम अलिफ जा, ज़रा जीम अलिफ जा की तो आपकी फौरी प्रैक्टिस साथ साथ चल रही है, और आगे आराम से आप गाफ लिखेंगे तो जीम अलिफ जा गाफ जा। फिर देखिए जीम अलिफ जा, वेरी इजी, आगे अड़े लिखेंगे, आगे अलिफ लिखेंगे और पढ़ेंगे हम इसे जाड़ा, फिर जीम अलिफ जा और साथ हम इसके लाम और उसके साथ छोटी ये, जीम अलिफ जा लाम छोटी ये ली जाली, फिर जीम अलिफ जा, ठीक है, और लाम की पूरी शक्ल जीम अलिफ जा लाम जाल, फिर जीम अलिफ जा और दाल और वाओ लिखना बहुत आसान जादू, फिर जीम अलिफ जा और रे और छोटी ये जारी, फिर जीम अलिफ जा और नून जा। तो आप देख सकते हैं कि ये लफ्ज़ लिखने में बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पूरी शक्ल गाफ की पूरी शक्ल, लाम की पूरी शक्ल, दाल वाव की पूरी शक्ल, रे ये की पूरी शक्ल और ये नून की पूरी शक्ल। तो थोड़ी सी हमने जो प्रॉब्लम कहाँ पे है, लाम अलिफ ला में और लाम छोटी ली में, तो ये दो हरूफ हम प्रैक्टिस के साथ लिखवा सकते हैं, हम इस पे फुल ट्रेसिंग करवा सकते हैं बीच में, ताकि बच्चे आराम से फिर उसे लिखना भी सीख सकें। जो मुश्किल हो आप चेक करें, जो गलती है वो नीचे इसलाह दीजिए और बच्चा उसके नीचे उसकी इसलाह करे, 5-5 दफ़ा अपनी गलती को लिखे, तो इस तरह बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।